ईश्वर सबके हृदयों में विराजमान हैं, वो हमसे कोई दूर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठे हैं। हमारे अंदर बैठे पूरा नज़ारा, पूरा मुजरा देख रहे हैं। हम जो कुछ सारा दिन करते हैं सब उनकी आँखों के सामने करते हैं, जो कुछ सोचते हैं सबके वो साक्षी हैं, देख रहे हैं अंदर से। यहाँ किसी की होशियारी चल नहीं सकती, जो सच्चे मन से उनके बच्चे बनकर ये जानकर कि वो सबके अंदर बैठे हैं, अपने अंतरंग में उनके अर्पित हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, ईश्वर उनका उद्धार कर देते हैं। हुक्म पालन करने से जीव को जो आनंद मिलता है, शक्ति मिलती है, वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलती। ईश्वर का हुक्म सब चीज़ों में प्रधान है, सब के लिए ईश्वर का हुक्म पालन करना अत्यंत ज़रूरी है। ईश्वर सदा अपने बच्चों को अपनी गोद में रखते हैं, अपने चरणों से चिमटा के रखते हैं, भले ही बच्चे समझ पाएं या ना समझें, उनकी सदा रक्षा होती ही है। माँ अपने बच्चों को भला कैसे छोड़ सकती हैं? ये संसार एक बहुत भयानक जंगल है, जिसमें बड़े भयानक खूनी हिंसक जानवर हैं, जो मौका लगे तो जीव का नाम निशान तक नहीं रहने देते। इस भयानक संसार में माँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हैं? उनको खुला नहीं छोड़ती, उनको सदा अपनी गोद से चिमटाकर रखती हैं, भले ही उन पर कितनी तकलीफें आए, कितने ही कष्ट आए, कितने ही कर्म भोगने पड़ें, वो बच्चों से कभी अलग नहीं होतीं।